हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पर क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कह रहा है, एक फल उत्पादक अपने बाग में दो प्रकार के खादों पी ब्रांड और क्यू ब्रांड का उपयोग कर सकता है। मिश्रण के प्रत्येक थैले में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश और क्लोरीन की मात्रा केजी में सारणी में यहाँ दिया गया है। परीक्षण संकेत देते हैं कि बाग में कम से कम 240 केजी फास्फोरिक अम्ल, कम से कम 270 केजी पोटाश और क्लोरीन की अधिक से अधिक 310 केजी की आवश्यकता है। यदि उत्पादक बाग के लिए मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का न्यूनतमीकरण करना चाहता है तथा प्रत्येक मिश्रण के कितने थैले का उपयोग होना चाहिए, मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा क्या है, ये हमें यहाँ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, एक फल उत्पादक है, ये दो प्रकार के खाद पी ब्रांड और क्यू ब्रांड का उपयोग अपने बगीचे में करना चाहते हैं और प्रत्येक थैले में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास और क्लोरीन की कितनी कितनी मात्रा है यह केजी में दिया गया है प्रति थैला में। तो देखिए, पी ब्रांड का जो थैला है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास और क्लोरीन की कितनी कितनी केजी में मात्रा है यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह ब्रांड क्यू वाले में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास और क्लोरीन है ये भी यहाँ सारणी में दिया गया है। ठीक है, और ये भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने पे ये पता चलता है कि बगीचे में कम से कम 240 केजी फास्फोरिक अम्ल, कम से कम 270 केजी पोटास और क्लोरीन अधिक से अधिक 310 केजी होना चाहिए। तो कितना कितना दोनों ब्रांड का थैला उपयोग किया जाए ताकि नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतम हो सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना फल उत्पादक एक्स थैले पी और वाई थैले क्यू ब्रांड के उपयोग करता है। हम लोग ऐसा यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हम लोग एक खुद से एक चार्ट बना लेते हैं जो अभी हमने डाटा ऊपर देखा ना, उन सबको लिखने के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इससे रिलेटेड अगला भी क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, हमें अलग से उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 के बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो इसी पर है, इसमें यही सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे बस अधिकतम के लिए पूछ रहा है, तो हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में मैं आपको बता दूंगा, आप कॉपी पे दोबारा से बना लेना। चलिए देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है आपके क्वेश्चन में कि केजी में प्रति थैला कितना कितना पोषक तत्व है, उनको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पोषक तत्व में कौन कौन सा है जी, तो पोषक तत्व में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि उसी के ना न्यूनतमीकरण की बात कर रहा है। फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, दूसरा है पोटास, तीसरा है क्लोरीन और अंत में यहां पे ले लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, दो तरह के ब्रांड हैं पी और क्यू। चलिए अब इसके बाद हम लोग, और कितनी आवश्यकता है मिश्रण में, आवश्यकता कितनी है इन दोनों के मिश्रण में, ठीक है, उसकी यहाँ पे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, पी ब्रांड जो है इसमें फास्फोरिक अम्ल कितना है, 1 केजी, पोटास है आपका 3 केजी और क्लोरीन है 1.5 केजी, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ऊपर दिया होगा यहाँ पर, कितना केजी है, 3 केजी है। उसी तरह क्यू वाले ब्रांड में 2 केजी फास्फोरिक अम्ल, 1.5 केजी पोटास और क्लोरीन 2 केजी है। अच्छा, और नाइट्रोजन की बात करें तो 3.5 केजी। आवश्यकता कितनी कितनी के, तो देखिए आवश्यकता है हमें यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल की 240 केजी, पोटास की कम से कम 270 और अधिक से अधिक 310 केजी क्लोरीन होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका कम से कम ये 240, ये कितना था, कम से कम 270 और अधिक से अधिक ये 310। अब चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद हमें मिनिमम निकालने के लिए बात कर रहा है, मिनिमम ऑफ जेड की बात कर रहा। तो एक्स थैले हैं पी प्रकार के और एक में 3 केजी नाइट्रोजन एक थैले में, तो 3x केजी हो जाएगा। उसी तरह क्यू प्रकार के ब्रांड के वाई थैले हैं और एक थैले में 3.5 केजी नाइट्रोजन, तो 3.5y हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से इन तीनों से 3 समीकरण प्राप्त होंगी। फास्फोरिक अम्ल एक थैले में है, एक थैले ब्रांड पी वाले में है,
एक केजी, और एक्स थैले है तो एक्स केजी हो जाएगा, और क्यू ब्रांड के वाई थैले है और एक में एक दो केजी है तो दो वाई हो जाएगा, और कम से कम होना चाहिए 240 केजी, 240 से अधिक भी हो सकता है, एक रेखिक असमीकरण प्राप्त हो गए। दूसरी वाली यहाँ से हो जाएगी आपकी, 3x प्लस का 1.5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 270, कम से कम 270 क्या रहना जी, चलिए यहाँ पे 1.5 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर आगे भाग करेगा तो इधर आपका 180 ना हो जाएगा, चलिए अच्छा। उसके बाद तीसरा यहाँ से मिलेगा, 1.5x प्लस का 2y इज लेस देन, क्योंकि अधिकतम कह रहा है ना, अधिकतम यहाँ पर इसके कह रहा था, क्लोरीन की अधिकतम मात्रा 310 केजी, ठीक है, चलिए। और रैखिक जो ऋणोत्तर व्यवरोध होगा ये तो रहेगा ना जी, क्योंकि जो थैले की संख्या होगी जीरो या जीरो से देखोगे माइनस में तो नहीं आएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, लिखते हैं दिए गए रैखिक असमीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू में 240, फिर 2x प्लस y इक्वल टू में 180, और तीसरा हो जाएगा 1.5x प्लस का 2y इक्वल टू में 310, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इनके सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है, तीनों समीकरणों के दो दो सॉल्यूशन निकालेंगे तभी ना इनका हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए तो पहले इनके दो दो सॉल्यूशन की बात अब हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए एक्स वाई, एक्स का देखो यहाँ पे जीरो रख देते हैं, एक्स का जीरो, तो वाई का कितना जाएगा, तो ये चला जाएगा उधर डिवाइड में, तो 120 हो जाएगा। वाई का जीरो रख देते हैं, वाई का जीरो रख देते हैं, तो एक्स कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 240 ना आ जाएगा जी। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर देते हैं एक्स वाई, एक्स का जीरो रख देते हैं तो वाई का 180, वाई जीरो रख देते हैं एक्स का 90, फिर यहाँ एक्स वाई, ठीक है, एक्स का जीरो रख देते हैं तो ये जाएगा उधर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 310 में डिवाइड कर देंगे कितना से, ये 2 ही नहीं जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 155। अच्छा y जीरो रख देते हैं तो ये जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 310 में डिवाइड हो जाएगा कितना से, 1.5 से। तो यहाँ पर अगर डेसिमल में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 206.6, और फ्रैक्शन में अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा 620 बाई 3। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये आपका, फिर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स डैश, इसे हम ले लेते हैं वाई, और यहाँ ले लेते हैं वाई डैश, देखिए 20, 40, 60, 80 है ना, 80 के बाद 100, 120, 140, 160, 180 के बाद आपका 200, 220, 240, यही ना लास्ट ली जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 की टेबल से 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 के बाद यहाँ 200, 220, 240, ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9 और 12 हो गए, ठीक है। चलिए देखिए 0 और 120, तो यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 ये 120 हो जाएगा, 0 और 120, और 240 और 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से ना आएगी। चलिए और इसका समीकरण हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसका समीकरण क्या था जी, x प्लस 2y इक्वल टू 240, x प्लस 2y इक्वल टू 240। चलिए दूसरे वाले चीज देते हैं 0 और 180, तो 120, 160, 140, 160, 180, ठीक है, 140, 160, 180, 0 और 180, फिर दूसरा क्या है 90 और 0, तो
90 किधर होगा, 20, 40, 60, 80 और ये 100, इसके बीच में यहाँ हो जाएगा 90 और 0। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो वह रेखा कुछ इस तरह से हो जाएगी। इन होगी जी, इसको थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी। इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण देख लीजिए, 2x + y = 180, 2x + y = 180। थर्ड वाली के लिए चलते हैं, इसका 0 और 155, तो 0 और 155 कहाँ होगा, 140, 160, यहाँ 140, 160, तो ये 140, 140 है और ये 160 है, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 और 150 और 160 के बीच में 155 यहाँ पे हो जाएगा, 0,155। दूसरा 206.60, 206.60, 206.60, तो ये आपका 200 होगा, 220, 240 हो जाएगा, 200 ही होगा, इससे बस थोड़ा सा आगे यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 210 होगा और इसे इसके थोड़ा और इधर ना, यहीं पे ना हो जाएगा, तो आपका 620/3 और 0। फ्रैक्शन वाले को ही लिख देते हैं जो फ्रैक्शन में था। चलिए अब इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग लाइन खींचेंगे, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये ना हो जाएगा जी, चलिए ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका समीकरण क्या है, तो वही था 1.5x + 2y = 310। 1. यहाँ लिख दे, 1.5x + 2y = 310, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हल क्षेत्र का हम लोग पता करते हैं। 0, 0 पर असमीकाय, असमीकाय, चलिए 0, 0 पर असमीकाय क्या होंगी, तो पहले वाले में रखते हैं, 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240, ग्रेटर देन इक्वल टू ही ना है, देख लीजिए एक बार ऊपर, इसमें इसमें ग्रेटर, लास्ट वाले में लेस देन है, चलिए तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर है या इक्वल है 240 के, नहीं है, आ सकते हैं। दूसरा वाला, 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो क्या 0 बड़ा है 180 से या बराबर है, नहीं है, ये भी आपका असत्य हो गया। तीसरे वाले पे 1.5 × 0 + 2 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 310, तो 0 लेस देन है या लेस देन है ना जी 310 से, बिल्कुल सत्य है ये, तो पहला दूसरा असत्य और तीसरा सत्य हो जा रहा है। यानी देखिए ये वाला सत्य हो रहा है इसके अंदर इन दोनों के बाहर, यानी कि ये आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु इसके कौन कौन से होंगे, तो एक ही एक कोणीय बिंदु हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, अगर इसको ए लिखते हैं तो इसका निर्देशांक क्या होगा, देखिए तो एक्स का है यहाँ 40 और वाई का किधर हो जा रहा है, ये 100 पे हो रहा है, तो 40,100 हो जाएगा। दूसरा इसे हम लोग बी ले लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का कितना हो जा रहा है, देख लीजिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और y का इधर कितना है, तो 20, 40, 60 इसके बीच में, तो 50 यहाँ पर, ये c ले लेते हैं, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का ये 20 के सामने है और y का यहाँ पे ये कितना है 140 ना, 140, ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र, हल क्षेत्र एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु ए 40,100, बी 140,50 तथा सी, तथा सी 20,140 है, ठीक है। अब चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ न्यूनतमीकरण करने के लिए यहाँ पर न्यूनतम मान निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर चार्ट एक बना लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, ये आपका चार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ जेड इक्वल टू में क्या है आपके पास,
तो जेड इक्वल टू में 3x प्लस का 3.5y, यही ना था जी। चलिए कोणीय बिंदु यहाँ पे जो जो मिल रहा है इसको यहाँ लिख देते हैं। कोणीय बिंदु क्या है, 40, 100, 140, 50, ठीक है, और तीसरा है 20, 140, इसमें रखते हैं, ठीक है। 40 और 100, 40 रखेंगे तो 120 और ये 350, तो जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 470, ठीक है। अच्छा 140 और 50 इसमें रखें, 140 एक्स की जगह, वाई की जगह आपका 50, तो आपका कितना आ जाएगा 595 रह जाएगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद 20 और 40 रख देते हैं, तो 20 रखेंगे और 40 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 550, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहे थे ही ना आपका, मिनिमम मिनिमम एट 40, 100। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि, तो लिख सकते हैं कि अतः फल उत्पादक 40 थैले पी ब्रांड और 100 थैले क्यू ब्रांड के ले तो किसकी क्या था जी, नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतम होगी, ठीक है। और न्यूनतम मात्रा कितना हो जाएगी, न्यूनतम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 470 kg, क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन पे कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न 8 पर, ये 8 अभी देखे हैं, यदि उत्पादक बाग में मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतमीकरण करना चाहता है तो मिश्रण के कितने कितने थैले मिलाए जाना चाहिए और मिलाए जाने वाले मिश्रण नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा क्या होगी। तो सेम वही करेंगे, ऊपर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इस मिनिमम के जगह मैक्सिमम लिख देंगे और फिर बस हम लोग यहाँ पर जो यहाँ मिनिमम वैल्यू देख रहे थे अब हम लोग इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। मैक्सिमम ये हो जाएगा 140 और 50 पर, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः सब कुछ कर लेने के बाद, ये चार्ट बना लेने के बाद मैक्सिमम ये दिखाएंगे और ये ना लिखे यहाँ पे ये लिखेंगे अतः फल उत्पादक 140 थैले पी ब्रांड और 50 थैले Q ब्रांड के ले तो नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतम होगी, समझ गए, सॉरी महत्तम होगी, नाइट्रोजन की मात्रा महत्तम होगी, अधिकतम होगी या महत्तम होगी, और अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा 595 kg हो जाएगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन आपने देख लिए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, डब्ल्यू 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 डॉट
रविकांत सर .in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।